हेलो दोस्तों, IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2020 आई है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं क्लरिकल पोस्ट के लिए। यहाँ पे हम ओवरव्यू देखेंगे और आपको हम रिकमेंड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल PDF, तो आप वहाँ से इसके बारे में आप रीड कर सकते हैं एंड क्रॉस चेक वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, 2 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरना, तो 23 सितंबर तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा प्री एंड मेंस दो फेजेस रहेंगे, जिसका प्री का एग्जाम होगा दिसंबर में 5 से 13 के बीच। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल और OBC की 850 और SC ST और जो भी अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए है 170। और यहाँ पे आप पे कर पाएंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान द्वारा। आपको ऑल ओवर इंडिया में इसकी जॉब मिल जाएगी, सभी स्टेट्स के लिए है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर SC ST OBC, जो कि मिनिमम एज है फॉर जनरल 20 से 28। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स हैं। जनरल के लिए 5,000 से ज़्यादा हैं 5,557, OBC के लिए 2642, EW के 1120। इसी तरह से आप यहाँ पे पोस्ट डिटेल देख पाएंगे। और अगर आप स्टेट वाइज देखें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की 75 है, उत्तर प्रदेश की 136 है, तो यहाँ पे आप स्टेट वाइज एंड टेरिटरी वाइज भी देख पाएंगे। अब दोस्तों, आपके पास अगर मिनिमम बैचलर डिग्री है विथ लीस्ट 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड एज पर रूल्स यहाँ पे SC ST के लिए मिनिमम परसेंट क्राइटेरिया कम है। तो इसे अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे लिंक है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे। मैं इसी की ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहाँ पे आप चेक करके और इसे आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पे जो रिलेवेंट पॉइंट हैं आप उन्हें देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर कौन कौन से रहेंगे, इसके अलावा कौन कौन से बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेरियस बैंक्स। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप इन बैंक्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एज पर योर मेरिट एंड एज पर योर प्रेफरेंस। और यहाँ पे डेट्स भी मेंशन की गई हैं कब कब एग्जाम हो सकता है। तो लाइक यहाँ पे ऑनलाइन प्रिलिमरी जो एग्जाम रहेगा 15/12, 12/12 और 13/12, ये डेट्स हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मेंस की बात करें तो 24 जनवरी को हो सकता है। और यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट, मतलब आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा 1 अप्रैल तक। इस तरह से आप वेरियस डेट्स भी देख पाएंगे। और भी जितने रेलेवेंट आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आप उनको खुद से रीड करिए, वो बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हूँ, आप वहाँ पे जाके से रीड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है अप्लाई करने में, आपका कोई अदर क्वेश्चन है, आप हमसे आस्क करिए। थैंक्स फॉर गाइस।